जैसा कि कल आप लोगों ने यहाँ पर आके ख़त्म कर दिया था टॉपिक को, हमने आपसे कहा था कि आपका कल का टॉपिक होगा क्या इतिहास अपने को दोहराता है, इसकी व्याख्या करें हम। इसके पहले मैं आप लोगों के कुछ जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चन थे, उसका समाधान कर दूं। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या चैप्टर समाप्त होने के बाद कोई टेस्ट होगा, तो आप याद रखिएगा चैप्टर समाप्त होने के बाद ही नहीं, बल्कि चैप्टर के बीच में आते ही, मतलब एक चैप्टर पर दो टेस्ट की प्रक्रियाएं ये आयोजित की जाएंगे। और UGC, TGT और PGT के ज़्यादातर लोग सशंकित थे कि क्या इतना ही मैटर हमारे लिए पर्याप्त होगा जितना पढ़ाया जा रहा है, इतना तो अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर आप 50% भी मैटर तैयार कर गए तो आप इन परीक्षाओं को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। फिलहाल हम लोग आइए बातचीत करते हैं कि क्या इतिहास अपने को दोहराता है। तो देखिए, इसका जो प्रश्न होगा, उत्तर होगा, यह आप दो भागों में बांट देंगे। पहली बार आप क्या कहेंगे, दोहराता भी है और दोहराता नहीं भी है, मतलब दोहराता है और दोहराता नहीं है। अब आपको ये चीज समझना है कि कब दोहराता है और कब दोहराता नहीं है। तो देखिए, इस चीज को जानने के लिए आपको एक चीज जानना होगा, वो क्या है कि आपने बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। बुद्ध के एक फॉलोअर थे नागार्जुन, और यही नागार्जुन है जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और आइंस्टीन को तो आप जानती हैं कि यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षवाद के जनक हैं, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि नागार्जुन का भी जो सिद्धांत था वह सापेक्षवाद था। एक चीज आप और जान लें, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। एक पॉइंट तो ये आपने जाना, दूसरा पॉइंट आप एक चीज ये भी जानते होंगे, बहुत प्रचलित नाम है हमारे जो लॉर्ड हैं भगवान राम, तो भगवान राम के जो पिता हैं वो है दशरथ, और दशरथ किस चीज में माहिर थे, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। शब्द भेदी, भेदी होता है, भेदी बाण चलाने में यह प्रवीण थे, और इस बाण का प्रयोग उन्होंने एक निर्दोष श्रवण के ऊपर किया था, श्रवण कुमार के लिए किया था। तो अब आप समझिए कि इतिहास कब अपने को दोहराता है और कब दोहराता नहीं है। तो देखिए, आइंस्टीन ने कहा था, नोबेल पुरस्कार विजेता है आइंस्टीन, तिन्होंने कहा था कि यदि कार्य एक है, मतलब वर्क इज वन, कार्य एक है, और इसी कार्य को अगर हम दोहराएं या दोहराते रहें तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जैसा कार्य है वैसा ही कारण होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एक ही कार्य को बार बार दोहराएं तो उसका परिणाम भी पुराने जैसा होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे किसी पूर्वज ने आम तोड़ते समय आम की डाली के
आखिरी इंड तक आए और वो पेड़ टूट गया, डाली टूट गई और वो गिर गए। और हम भी अगर उसी इतिहास को दोहराएं तो हमारे साथ भी वही बात होगी और वो डाली टूटेगी और हम गिरेंगे। इसका मतलब आपने यहां देखा कि इतिहास ने अपने को दोहराया। लेकिन यदि ये आइंस्टीन से हमने आपको समझा दिया, आइंस्टीन ने कहा कि अगर कार्य एक है तो उसका परिणाम या कारण भी वही होगा जो पहली बार हुआ था या अतीत में हुआ था या विगत में हुआ था। नागार्जुन ने भी तो यही बात कहा था, सापेक्षवाद या कार्य कारणवाद, मतलब जैसा कार्य होगा वैसा ही कारण होगा। तो आपने देखा कि यह दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध की जो जितनी भी टीचिंग्स हैं, मतलब उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का सार क्या है? तो आप कहोगे बुद्ध की समस्त ज्ञान को अगर हम एक शब्द में कहें तो वह कहेंगे प्रतीत समुत्पाद, समुत्पाद। देखिए यहां आपका क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बात करी, बुद्ध के पूरी शिक्षाओं का सार हमने समरी क्या बता दिया, समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, यह बुद्ध की शिक्षाओं का समरी है या सार है। अब प्रतीत का मतलब क्या हुआ, लुक्स लाइक, मतलब जैसा दिखता है उसका उत्पाद भी वैसा ही होगा। तो यहां पर भी आपने देखा कि जैसा कार्य वैसा कारण होगा, जैसा दिखता है वैसा उत्पाद होगा। तो यहां से भी आपने ये चीज सीखा कि इतिहास अपने को दोहराता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देता हूं कि ये देखिए, दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा, किसको मारा, निर्दोष श्रवण कुमार को मारा जो अपने अंधे मां बाप के लिए पानी लाने गया था। तो श्रवण कुमार ने दशरथ से पूछा था कि राजन आप बताओ मेरा दोष क्या है, आपने मुझे क्यों मारा, क्या प्रकृति के इस सरोवर से या सरयू नदी से जल लेना ही मेरा गुनाह था। दशरथ चुप रहे। तब श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा था, यही बात आप जा करके मेरे पिता से कहिएगा, यही मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपका कृतज्ञ होऊंगा कि आप बता दीजिए कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। और दशरथ ने जैसे ही श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप को यह सूचना दिया था तो वो मर गए थे। तो जब वो मर गए तो अब आप बताइए दशरथ की मौत कैसे हुई। दशरथ की मौत उन्हीं परिस्थितियों में हुई, दशरथ निर्दोष थे लेकिन उनको भी पुत्र वियोग का सामना करना पड़ा। और इस वियोग में ठीक है दशरथ की मौत हुई, तो क्या इतिहास ने अपने को दोहराया या नहीं दोहराया? तो आप कहोगे इतिहास अपने को दोहराता है। कब? जब गलती समान हो, मतलब अतीत में की गई गलती अच्छाई और वर्तमान में की गई गलती या अच्छाई यदि समान है तो उसका परिणाम समान होगा, अर्थात इतिहास दोहराएगा। लेकिन यदि कार्य अलग हो जाए तो कारण बदल जाएगा। आपने यह चीज समझ लिया होगा। एक चीज अमूमन लोग पूछ देते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं, ऐसे भी उम्मीद की जाती है, लोग पूछ देते हैं और कहते हैं, मजाक से उड़ाते हैं ठीक है, कि आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, इतिहास का क्या उपयोगिता है जीवन में, क्यों पढ़ाया जाता है इतिहास को, ठीक है, इनकी क्या जरूरत है कि किसी की कब्र को आप खोद रहे हैं। तो आप ये भी जान लें कि इतिहास की उपयोगिता क्या है। देखिए इतिहास का अध्ययन केवल पढ़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन हमने आपसे ये कहा कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, क्यों आप इतिहास पढ़ रहे हो, उपयोगिता
रेलेवेंसी क्या है इसकी। विज्ञान के इस युग में इतिहास की उपयोगिता क्या है। अरस्तु ने कहा भी था कि इतिहास और कुछ नहीं है अपितु वह एक एरिस्टोक्रेट या बुर्जुआ वर्ग की एक कब्रिस्तान है या मजार है। तो क्या हम वही बात मान लें? नहीं सर, आप इतिहास की उपयोगिता क्या है आप ये समझ लें कि इतिहास का अध्ययन अगर कोई पढ़ने के लिए करता है तो नेचुरली या वास्तविक रूप में वह इतिहास का लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन इतिहास का अध्ययन अगर सबक के लिए लिया जाए या सीखने के लिए लिया जाए, सबक मतलब सीख, लर्न, लेशन, तो इतिहास एक सबक है। कैसा सबक? अतीत से एक सबक है कि हम उन गलतियों को पुनः ना दोहराएं। जो गलतियां हमारे अतीत में दोहराई गई हैं तो उन गलतियों का जो परिणाम होगा वह आज भी होगा। इसलिए इतिहास एक सबक है, एक सीख है, ठीक है, जिससे हम ठीक है अतीत से सीखते हैं और अपने वर्तमान में रहकर अतीत से सीखते हैं और वर्तमान को तथा भविष्य को दोनों को सजोते हैं। इसलिए इतिहास की रिलेवेंसी, पढ़ाने की रिलेवेंसी या पढ़ने की रिलेवेंसी यही है। अब अगला जो टॉपिक आपके बीच में जा रहा है वह आपके हर पॉइंट पर क्वेश्चनों की भरमार करेगा। तो अब आप देखें इतिहास जानने के साधन क्या है, मतलब इतिहास के स्रोत। कैसे आप भारतीय इतिहास को या भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? के स्रोत, तो देखिए जो भारतीय इतिहास का स्रोत है वह देखिए हम एक चार्ट से दिखा रहे हैं। भारतीय इतिहास के जो स्रोतों की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा वह केवल दो हैं, एक साहित्य है और दूसरा पुरातत्व है। एक साहित्य, दूसरा पुरातत्व। अब प्रश्न आता है कि इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है, ये वाला महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है? तो आप याद रखिएगा कि सर यह पुरातत्व ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब यह पुरातत्व क्यों महत्वपूर्ण है और साहित्य क्यों कम महत्वपूर्ण है? तो आप कहिएगा कि जो साहित्य का लेखक होता है या रचनाकार होता है वह एक व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति का अपना धर्म होता है, इस व्यक्ति की अपनी जाति होती है, इस व्यक्ति का अपना देश होता है, इस व्यक्ति का अपना संरक्षक होता है, इस व्यक्ति का अपना हित भी होता है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि यह व्यक्ति जब साहित्य लिख रहा होता है तो अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपने देश से, अपने संरक्षक राजा या रानी से और अपने हित से प्रभावित हो करके लिखता है। और यही कारण है कि साहित्य कैसे होते हैं, प्रायः निष्पक्ष नहीं होते हैं। इसलिए हर जो साहित्यकार होता है वो अपने युग का शिशु है और शिशु के ऊपर अपने संरक्षक का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, अपनी जाति अपने धर्म का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए साहित्य से इतिहास का निर्धारण करना एक बौद्धिकता है, अन्यथा हम गलत निर्णय ले जाएंगे। अब ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व देखिए एक अमर इबारत है और ये जो अमर इबारत है इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। अशोक ने अपने जो अभिलेख अपने पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए उसको समय के साथ उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए पुरातत्व ही इतिहास जानने का बेहतर साधन है।
इसके बाद हमारी बीच में चर्चाएं होती रहेंगी, हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे। अभी चूंकि इंट्रो का क्लासेस है और आपका बेस बनाना है, इसलिए इससे ज़्यादा चर्चाएं आपके लिए उपयुक्त नहीं है, अन्यथा आप भ्रमित हो सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं पहले साहित्य से। तो क्यों साहित्य से देखते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साहित्य से ही पूछे जाते हैं, तो पुरातत्व हम लोग बाद में देखेंगे। तो जहाँ तक साहित्य की बात है, तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्य के हम दो भाग कर लेते हैं, एक देसी साहित्य, इंडिजिनस देसी साहित्य हो गया, और देसी साहित्य के अतिरिक्त कौन सा साहित्य आ जाएगा? विदेशी साहित्य आ जाएगा। अब हम पहले इसको देख लेते हैं। तो जो देसी साहित्य है, यह देसी साहित्य भी दो प्रकार का है होता है, एक धार्मिक साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा होता है धर्म इतर साहित्य, धर्म के अतिरिक्त साहित्य साहित्य। ठीक। तो अब अगर हम धार्मिक साहित्य देखें, धार्मिक साहित्य मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के लिए जो धार्मिक साहित्य है, वह आप याद रखें, ये हमने लिख दिया धार्मिक साहित्य, और इस धार्मिक साहित्य को हम तीन भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में धर्म कौन थे? मुख्यतः तीन धर्म थे। एक था वैदिक धर्म, ठीक है, जो वैदिक धर्म है इसी को आप ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, वैदिक साहित्य। दूसरा है जैन साहित्य, और जो तीसरा हमारे सामने टॉपिक आएगा वो है बौद्ध साहित्य, धर्मेतर साहित्य। जब आएगा तो हम एक सूची देने के लिए दे सकते हैं कि धर्मेतर साहित्य में आप क्या रख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष मतलब जो धर्म के अतिरिक्त हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य रखें, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, मालवीय काग्निमित्रम है कालिदास की, क्लियर। तो ये जब मैटर आएगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम, ठीक है, धार्मिक साहित्य को शुरू करें और इसकी व्याख्या करके और आपको तैयार कराएं। तो आप हेडिंग डाल दें, मेरे साथ चलते रहें, और आप याद रखिएगा कि वीडियो को कम से कम आप एक बार सुनेंगे, और सुनते वक्त ही अगर आप चाहें तो आप उसे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप परिपक्व कभी नहीं हो सकते। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है, एक्टन नाम का एक साहित्यकार है, और एक्टन ने कहा था, रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। मतलब अगर आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सीखते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आप याद रखिएगा आप बहुत सटीक या एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट की हिंदी में शायद नहीं बना पा रहा हूं, तो एग्जैक्ट आप लिखने से आएंगे, और केवल पढ़ने से आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो हमारे ब्रेन में तीन लेयर में आता है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो हम जब लिखते हैं तभी हम सुपर कॉन्शियस में आते हैं, बिना लिखे हुए आप कभी सफलता नहीं प्राप्त करते। इसलिए आप याद रखें, आप लिखें, क्योंकि लिखने से आप सीखते हैं, और सीखना ही सबक है, उसी से ही आप परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा परिवर्तन नहीं होता। और हमारे जो तमाम छात्र हैं वो पढ़ते हैं कैसे 100 करके लायक उपन्यास जैसे पढ़ा जाता है, और वो उनकी असफलता का एक महज कारण बनता है, जिसको वो लाख मेहनत करते रहते हैं लेकिन उसमें उनका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। तो आइए हम देखते हैं
कौन से साहित्य? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। एक चीज आपसे और कहना था, ये कभी कभी आप पढ़ते होंगे तो पढ़ने के बाद तमाम ऐसी चीजें आती हैं कि हम लाख समझाए हों लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। ना समझ पाना कोई बुराई नहीं है, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर से उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे, आप सोचेंगे कि लेकिन क्या इस पर बिल गिरेगा, पैसा लगेगा? तो आप याद रखिएगा, अशिक्षित रहना सबसे महंगा काम है, और इसलिए आप याद रखिएगा, शिक्षित होने में केवल लगता है लेकिन अशिक्षित होने का जो परिणाम आता है वह आप पूरी जिंदगी बीच नहीं चुका पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई गई हो या ना पढ़ाई गई हो। तो अब हम देखते हैं वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। तो आप याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में या ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, ब्राह्मण साहित्य में क्या आएगा? वेद आता है। ठीक है, तो आप जैसे ये देखिए वैदिक लिखा हुआ है तो ये वेद लिखा हुआ है, वेद क्या हो गया? नाउन हो गया, और वैदिक क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो वेद क्या हुआ? वेद का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तो ये प्रश्न आता है कि ये किसका ज्ञान है, वेद किसका ज्ञान है और कैसा ज्ञान है? तो हमने आपसे बताया किसका ज्ञान है और कैसा ज्ञान है, ठीक है, कहाँ का ज्ञान है। ठीक है, कल हमने आपको क्या सिखाया था कि इतिहास क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो वैज्ञानिकता क्या है? जब आप उसमें प्रयोग कर सके, परीक्षण कर सके, निष्कर्ष निकाल सकें तो उसे इतिहास कहते हैं। तो ये प्रयोग और परीक्षण आप कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, क्या, क्यों और कैसे लगा करके आप करते हैं ना। तो यही चीज तो मैंने आपसे यहाँ कहा कि यह आप साइंटिफिक अध्ययन करिए, वेद क्या है? तो आप कहेंगे, सर ये एक संस्कृत का शब्द है सर, जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। अब प्रश्न आता है किसका ज्ञान? तो आप कहेंगे आर्यों का ज्ञान। आर्यों का ज्ञान, आर्यों का कैसा ज्ञान है ये? तो आप कहेंगे सर, ठीक है, चतुर्धिक ज्ञान है, मतलब उनके समाज का ज्ञान है, उनके धर्म का ज्ञान है, उनकी राजनीति का ज्ञान है और उनके समाज, धर्म, राजनीति, आर्थिक स्थितियों का ज्ञान है। तो एक व्यक्ति, मतलब चतुर्धिक कैसे हो गया, ये देखिए चार चीजें हैं। एक व्यक्ति का विकास कहाँ होता है? एक व्यक्ति का अगर विकास देखा जाए तो इन्हीं चार क्षेत्रों में ही होता है, पांचवा कोई क्षेत्र नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वेद ज्ञान है, किसका ज्ञान है? आर्यों का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? तो आप कहेंगे आर्यों के समाज का, उनके धर्म का, उनकी राजनीतिक स्थिति का और उनकी आर्थिक स्थिति का। अब ये कहाँ का ज्ञान है? तो आप कहोगे सर, यह जो ज्ञान है वह आर्यावर्त का ज्ञान है। आर्यावर्त का ज्ञान है, ये आर्यावर्त आप लिख सकते हैं, सप्तसैंधव प्रदेश लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप ये सोचते होंगे ये सब चीजें कहां से आ गई। तो हम आपको आगे चल के जब हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति बताने लगेंगे तो वहां हम बताएंगे कि इस देश का नाम कितनी बार बदला है और कैसे बदला है और कब कब बदला है। ठीक है, लेकिन आपको अभी यहाँ नहीं जाना है, बस आप कहिएगा उत्तर भारत का को क्या कहा गया है हमारे वेदों में? आर्यभर्त कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है? सप्तसैंधव प्रदेश कहा गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे नाम हैं, कहीं जम्बूद्वीप होगा और तमाम चीजें, उसको खैर छोड़िए अभी। अब तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यह आर्यावर्त का ज्ञान है। तो आपने समझ लिया कि वेद क्या है, जान गए आप।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेद में आता कौन कौन है। तो हम आगे की बातें करें, इसके पहले आप याद रखिएगा वेदों के कुछ उपनाम हैं। वेदों के कुछ उपनाम हैं, वेदों के उपनाम ये कर लीजिएगा, वेद यहाँ बहुवचन बना लीजिएगा उपनाम। तो वेदों का उपनाम क्या क्या है? तो आप बोलोगे कि सर वेदों को हम क्या क्या कहते हैं। सर वेदों को हम श्रुति बोलते हैं, श्रुति। श्रुति बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, अपौरुषेय कहते हैं। और क्या कहते हैं? सार्वभौम कहते हैं। और क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, संहिता या संहिता अंग्रेजी में लिखेंगे। तो ये श्रुति क्यों कहा जाता है? श्रुति का मतलब है कि सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ज्ञान आया है उसे श्रुति कहा जाता है, मतलब स्पीक मैके अंग्रेजी में, ठीक है। तो श्रुति का मतलब हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान जा रहा है वह किस रूप में जा रहा है? सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, मतलब गुरु ने शिष्य को, पिता ने पुत्र को, माँ ने पुत्री को, ठीक है। ऐसे जो ज्ञान गया है पीढ़ी दर पीढ़ी उसे क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अपौरुषेय क्या है? तो जाहिर सी बात है, कह रहा है अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना में किसी पुरुष का योगदान ना हो उसे अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक। सार्वभौम क्यों कहा गया? जिसका नॉलेज किसी भूभाग में सीमांकित ना हो, इसलिए वह सार्वभौम है या यूनिवर्सल है। इसे संहिता क्यों कहा गया? तो आप कहेंगे सर वेदों का वर्तमान स्वरूप, ठीक है। मॉडर्न कलेक्शन ऑफ हाइमन ऑफ वेदा इज कॉल्ड संहिता, ठीक है। संहिता कहा जाता है किसे? तो वेदों के आधुनिक रूप को या आधुनिक संकलन को ही हम संहिता कहते हैं। अब वेद देखो कितने हैं। तो आप कहोगे कि सर वेद जो है वह चार हैं। एक आप देख रहे हो, ये लिखा है ऋग वेद, ठीक। दूसरा लिखा है सामवेद, और तीसरा लिखा है यजुर्वेद या यजुर्वेद, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो अगला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि वह होगा सर हमारा चौथा वेद, और वो है शिल्प वेद। तो आप यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ की हर बातें एक ताकतवर क्वेश्चन के रूप में आ रही हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम ऋग्वेद की बातें करें तो आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद कैसा वेद है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद हो या सामवेद हो या यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, ठीक, इनमें से इन तीन वेदों को आप ये देखिए हमने यहां रोक दिया, ये एक कर दिया। इन वेदों को त्रयी कहा जाता है, और इसका मतलब आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ देगा कि त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है। त्रयी मतलब तीन जो हैं यह एक जैसे हैं, लेकिन यह अथर्ववेद एक जैसे कैसे हैं? देखिए ऋग्वेद का संकलन या ज्ञान यह आर्यों का है, सामवेद का ज्ञान आर्यों का ज्ञान है, यजुर्वेद का ज्ञान आर्यों का ज्ञान है, लेकिन अथर्ववेद एक ऐसा ज्ञान है जो आर्यों और अनार्यों दोनों का है। और अथर्ववेद को त्रयी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि यह आर्यों और अनार्यों दोनों का ज्ञान है। इसके साथ एक बात और याद रखिएगा, यह अथर्ववेद यह साइंटिफिक वेद भी है। इसमें क्या बातें आती हैं? इसमें चिकित्सा की बात की गई है, इसमें शब्दों से व्यक्तित्व पर प्रहार किया गया है,
और शब्दों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो एक तो आपने सीखा कि त्रयी में कौन शामिल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, ऋक। ऋक का हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद की, तो हम आगे जाएं इसके पहले आप एक चीज़ और कर लीजिएगा। ऋग्वेद क्या है, तो आप कहोगे, अगर आपसे सिंपल चीज़ पूछी जाए कि ऋग्वेद क्या है, तो आप कहोगे सर यह कर्मवादी ग्रंथ है। कर्मवादी ग्रंथ है ये ग्रंथ, लिख दिया है कर्मवादी ग्रंथ है। और यजुर्वेद, अरे सॉरी सामवेद, ठीक, आप कहोगे कि सर यह लॉर्ड सूर्य को, सूर्य देवता को सुपुर्द है, ठीक है, उन्हीं को यह समर्पित वेद है। अर्थात यह भी सामवेद में भी क्या आ रहा है, कर्मवाद कम होता जा रहा है। और यजुर्वेद क्या है, आप कहेंगे कि सर ये हाईली कर्म कांडी ग्रंथ है, अंधविश्वास और पाखंडों की बात करता है ये, कौन, यजुर्वेद। और ये क्या है, आप कहोगे सर यह एक वैज्ञानिक थाट को लेकर के लिखा जाने वाला ग्रंथ है। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यह ऐसे क्वेश्चन भी इसमें उठाते रहते हैं। अब ये कर्मवादी ग्रंथ है, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप कह देंगे कर्मवादी ग्रंथ है, तो आप कह देंगे कि सर ऋग्वेद की प्रसिद्ध लाइन है क्या, कि मंत्रों के टरटराने से, मतलब मंत्रों हाइमंस, ठीक है, मंत्र हाइमंस की तुलना वो किससे कर रहा है, आप करें कि वो मेंढक के टरटराहट से कर रहा है। और वो कह रहा है कि जैसे मेंढक के टरटराने से बारिश नहीं होती, ठीक वैसे ही मंत्रों के टरटराने से कभी किसी को लक्ष्य नहीं मिलता। और आप याद रखिएगा क्यों ये कर्मवादी ग्रंथ है, क्योंकि वो कहता है तुम वही सोचो, तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने साथ चाहते हो। और ये समझाता है कि ऐ माँ अस्तो माँ सद्गमा, ऐ माँ तू मुझे आगे चलने, मतलब मेहनत करने की पड़ा दे। वो नहीं कहता है कि ऐ माँ तू मुझे ये चीज़ दे दे, वो तो कहता है कि मुझे कर्म करने की पड़ा दे। इसलिए आप याद रखिएगा ऋग्वेद एक कर्मवादी ग्रंथ है, जबकि सामवेद आपने देखा ये लॉर्ड शिव को है। आगे हम चीज़ें छेड़ नहीं रहे हैं, इसके बाद आगे की बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बातें आपको और बता दें कि देखिए जो ऋग है, ऋग, ऋग प्लस वेद लिखा है, तो ऋग का मतलब क्या होता है, ऋचा, और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद क्या है, तो आप कहेंगे ऋचाओं में दिया गया ज्ञान है। तो अब ऋचा क्या है, ऋचा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर पद, मतलब एक प्रोज होता है, दूसरा पोएट्री होती है। तो मतलब जो पोएट्री है, ऋचा मतलब पद, पोएट्री, और पद दो रूपों में होते हैं, एक होता है गेय, मतलब जिसे गाया जा सके, और दूसरा होता है अगेय, जिसे गाया न जा सके। और ठीक है, इसका मतलब ऋग्वेद क्या है, आप कहेंगे अगेय ज्ञान है, मतलब ऐसा ज्ञान जिसे गाया नहीं जा सकता है, ऋग्वेद है। और एक चीज आप और याद रखिएगा, ऋग्वेद क्या है, तो आप कहेंगे यह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, इससे पुराना ग्रंथ दुनिया में कहीं नहीं है। एक तो आपने ये चीज जाना, और दूसरी चीज आप याद रखिएगा ऋग्वेद का अंग्रेजी ट्रांसलेशन रॉल्फ टीएच ग्रिफिथ ने किया था। किसने किया था, रॉल्फ टीएच ग्रिफिथ ने किया है। किसका ट्रांसलेशन, तो ऋग्वेद का ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण वेदों का ट्रांसलेशन कौन किया है, तो आप बोलोगे कि सर संपूर्ण वेदों का ट्रांसलेशन भी, ठीक है, टीएच ग्रिफिथ ने किया है। कहां पर किया है, तो आप कहेंगे सर नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में किया है, ठीक है, मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में किया है, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं, यहाँ मैटर हम काट रहे हैं, क्योंकि औचित्य यहाँ देने का नहीं है। आपको यहाँ केवल इतना जानना है कि स्रोत क्या है, फिर हम आगे चलते हुए जब वैदिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों पर, ठीक है, ज़बरदस्त व्यापकता देंगे।
आप हमें एक चीज़ और यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या है कि देखिए, हर वेद, मतलब अभी आपने देखा चार वेद हैं, तो चारों वेदों का अपना ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, क्लियर। तो आप ये चीज देखिए, पहले ब्राह्मण साहित्य है, फिर दूसरा भी लिख लीजिए, फिर आप बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आरण्यक साहित्य है। फिर तीसरी बात हम क्या करेंगे, हर वेद का अपना उपनिषद है। यहां हम थोड़ा सा आपका ध्यान रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा आपके सामने मुश्किलें आएंगी। तो यहां पर आप याद रखिएगा, हर वेद का आरण्यक तो है, परंतु अथर्व वेद का आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। फिर देखा आपने, हर वेद का अपना ब्राह्मण साहित्य है, हर वेद का अपना आरण्यक है, हर वेद का अपना उपनिषद है, और वेदांग भी है, और क्या पढ़ रहे हैं आप, वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो आप कहेंगे, सर इसी वैदिक साहित्य में ही सूत्र साहित्य भी आते हैं। और कौन आता है, तो यहां हम लिख देते हैं, स्मृति साहित्य भी आते हैं। और क्या आता है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवीं चीज ही आती है, सातवीं चीज है, सात चीजें होती हैं। तो एक तो स्मृति हो गया, एक सूत्र साहित्य हो गया, एक वेदांग हो गया, एक हाँ उपवेद आते हैं, क्लियर। तो आप, हम थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में समझा देते हैं, ताकि जब हम इसको व्यापकता के साथ पढ़ें, आगे चल के पढ़ें, तो हमारे सामने उतनी मुश्किलें नहीं आए। वैसे ब्राह्मण या ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो आपके बीच में हमारे तमाम साथी होंगे जो ब्राह्मण होंगे, ठीक है, तो उनके सामने यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा, व्यवहारिक नॉलेज और नॉलेज जो हम लोग हायर क्लासेस में लेते हैं, दोनों में बड़े अंतर होते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है कि पहले जो नॉलेज दिया जाता है, बचपन में जो नॉलेज दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि बच्चे में कौतूहल उत्पन्न करना, और जो हम आप बड़े होकर के नॉलेज लेते हैं, तो उसका नॉलेज का अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे देखिए, पहले जब हम बच्चे होते हैं, तो वहाँ हमको बताया जाता है कि गंगा की उत्पत्ति शंकर भगवान की जटा से हुई थी। ऐसा क्यों कहा जाता है, बच्चों में गंगा के प्रति, ठीक है, एक आकर्षण उत्पन्न करने के लिए। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, तो ये बताया जाता है कि नहीं साहब, गंगा की उत्पत्ति शंकर भगवान और ब्रह्मा के कमंडल से नहीं होती, अपितु वह एक स्थान है उत्तराखंड का गंगोत्री, वहाँ से होती है, ठीक है। तो वह एक आकर्षण उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, उसे आप गलत तरीके से ना लें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ब्राह्मण लिखा है, तो इसको हम, इसका मतलब हम तोड़ देते हैं, क्योंकि यहां तो लिखा ही लिखा गया है ब्रह्म प्लस यण, तो ब्रह्म प्लस यण इक्वल टू होता है ब्राह्मण। तो ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का मतलब है यज्ञ, और यण का मतलब है व्याख्या और विश्वास, व्याख्या और विश्वास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण कौन है, जो यज्ञ की व्याख्या करता हो या उसमें विश्वास करता हो, ब्राह्मण है। मतलब हर हिंदू के बारे में वह क्या कह रहा है, वह जो इसमें विश्वास करता है वह ब्राह्मण है। तो कह रहा है कि ये जो ब्राह्मण साहित्य हैं, हर वेद के अपने ब्राह्मण साहित्य हैं, और इन ब्राह्मणों ब्राह्मण साहित्य में क्या बताया गया है, कर्मकांड बताया गया है, और आरण्यक क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर
ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, अरण्य प्लस यज्ञ। तो अरण्य का मतलब क्या हुआ? अरण्य का मतलब हुआ जंगल और यज्ञ का मतलब हुआ ज्ञान। ठीक है, कैसा ज्ञान? ज्ञान में भी कैसा ज्ञान? तो आप कहेंगे देखिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। फिलहाल अभी छोड़िए, उसको जाने दीजिए कितने प्रकार का होता है, उसको जाने दीजिए अभी। आप बस आप एक काम करिए, जब इसे पढ़ा जाएगा तो हम लोग वहां देखा जाएगा ज्ञान का मतलब कैसा है। आप कहेंगे स्व अध्याय का ज्ञान, जो आपने स्वयं के परिश्रम से, स्वयं की अनुभूति से जो ज्ञान पाया है वह कैसा ज्ञान है? आप कहेंगे आर्यक ज्ञान है। यहां जंगल का मतलब शाब्दिक निकाला गया है, जंगल का मतलब है एकाकीपन में, स्वचिंतन में, ठीक है, एकाकीपन में रहते हुए समाज से नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूतियों से जो ज्ञान पाया गया है वह आर्यक है। इसके बाद अगला नाम है उपनिषद। तो यहां आपने आर्यक में क्या देखा? तो आर्यक क्या है? स्व अध्याय है। और उपनिषद को अगर हम बात करें तो उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हर वेद के अंत में है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। हर वेद के अंत में उसका उपनिषद है, इसलिए उसे वेदांत, वेद के अंत में मतलब वेदांत है। अब उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? तो आप बोलोगे कि सर ये दो शब्द हैं, उप और निषद। तो देखो उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना और बैठाना। तो ये समीप किसके समीप? तो आप कहेंगे गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान पाया गया है वह ज्ञान ही उपनिषद है। इसका मतलब उपनिषद में, ठीक है, टीचर का होना जरूरी है, लेकिन आर्यक में टीचर का होना जरूरी नहीं है। और एक चीज उपनिषद का और अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? नॉलेज, एक ज्ञान जो शिष्य को या नॉलेज होल्डर को या ज्ञान प्राप्त करने वाले को ईश्वर के करीब पहुंचा देती है, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद क्या है? ये तो आपने देखा इसका वर्ल्डली मीनिंग है। अब इसके अंदर छिपा क्या है? इसमें कौन सी चीज इसके अंदर उल्लेखित है? क्या चीज इसके अंदर व्याख्या की गई है? तो आप बोलोगे कि सर उपनिषद दर्शन की बात करता है, दार्शनिक बातें करता है, रहस्य की बातें करता है। ठीक है, दार्शनिक या रहस्य की बातें करता है। कैसा दर्शन, कैसा रहस्य, आपको यह भी जानने की जरूरत है। तो आप याद रखोगे, जैसे मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा, तो जब मैं जीव हूं तो मैं मरूंगा, और मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे लोक मिलेगा या परलोक मिलेगा? ये जीव क्या है? क्या यह अणु है? और अणु है तो यह कैसा अणु है? ठीक है, इत्यादि प्रश्नों पर जो वार्तालाप की जाती है वह कहाँ है? उपनिषद में है। और उसमें कुछ उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे छांदोग्य उपनिषद। एक एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको याद होता जाए, इसलिए कुछ आकर्षण देना भी जरूरी होता है, और यहीं पर शायद आप को नॉलेज हो जाएगा। तो आगे जब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को जान रहे होंगे। तो छांदोग्य उपनिषद क्या है? तो यहाँ पर आप पढ़ लो, पहले पढ़ो आप। छांदोग्य उपनिषद, तो देखो यहां पर लिखा है, ये पहली चीज तो आप याद रखो कि किसका उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है, मतलब सामवेद का वेदांत है ये, उसके अंत में है ये। तो छांदोग्य उपनिषद में ये देखो, ये लिखा है छंदों में जो गे है, मतलब ऐसा उपनिषद जिसे गाया जा सकता है वह उपनिषद क्या है? छांदोग्य उपनिषद है। आप अलर्ट रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन है। और यही छांदोग्य उपनिषद है जिसमें कृष्ण का उल्लेख है, लॉर्ड कृष्णा का उल्लेख है,
और किस रूप में है, तो लॉर्ड कृष्णा को उल्लेख कहाँ आ रहा है? वेद में आया या नहीं आया? वेद का मतलब छांदोग्य उपनिषद वेद का ही तो भाग है। तो आप याद रखिएगा कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। यहाँ आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका विकेट गिरा देगा। यही वो कृष्ण हैं या भगवान हैं या हिंदुओं के देवता हैं जो ऐतिहासिक हैं। मतलब अन्य हिंदुओं का कोई देव ऐसा नहीं जिसकी ऐतिहासिकता हो, लेकिन कृष्ण हैं जो ऐतिहासिक देव कहे जाते हैं। हिस्टोरिकल मतलब एक ही गॉड है जो हिस्टोरिकल गॉड है ऑफ द हिंदूज। तो कृष्ण आपने देखा, और लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किस रूप में है? आप बोलोगे सर वह देव की नंदन के रूप में है। और किस रूप में है? तो आप कहोगे कि सर घोर अंग्रस के शिष्य के रूप में उज्जैन में इनको शिक्षा पाते हुए दिखाया गया है। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में दिखाया गया है। और यही वो उपनिषद है जिसमें मेरे बच्चों एक शब्द लिखा गया है, बहुत अच्छा शब्द लिखा गया है। वह क्या शब्द लिखा गया है? कर्म ही पूजा है। और यही कर्म ही पूजा है जिसको लेकर के बुद्ध का थॉट विकसित हुआ है, बुद्ध का उदय हुआ है इसी थ्योरी ऑफ कर्म को लेकर। और यही थ्योरी ऑफ कर्मा है जिसको लेकर के लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कर्मणे बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो ऐसे है इसके अंदर, इसी में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वेदांग, तो वेदांग भी कितने हैं? छह हैं। तो हमने आपको बता दिया ब्राह्मण साहित्य बता दिया, आर्यक बता दिया, उपनिषद बता दिया, और अब हम बताएंगे वेदांग। वेदांत नहीं, वेदांग। तो आगे जरा हम देखते हैं कि वेदांग क्या है। वेदांग, तो देखिए जरा वेदांग क्या है। वेदांग मतलब इसको अगर आप तोड़े तो कहेगा वेद का अंग, वेद का अंग। इसका मतलब यहां पर इन्होंने क्या माना? वेद को शरीर मान लिया, शरीर मान लिया। और इस शरीर का अंग, ठीक है, स्कल टू वेदांग। तो हम भी बना लेते हैं एक शरीर, ये हमने एक शरीर बना लिया। मान लेते हैं ये हो गया। तो आपने देखा कि हमने एक कार्टून बना दिया, मानव का कार्टून बना दिया। इसे हमने कहा यही वेद है। तो इसका अंग है या नहीं, आंख है या नहीं, कान है या नहीं, नाक है या नहीं, ये मुख भी बना दिया। ये माउथ है या नहीं, ये है। गला है ना, गला। ये हाथ है, ये भी तो अंग है। ये पैर है। तो वेदांग क्या है? तो आप कहेंगे वेद रूपी शरीर के अंग हैं। और ये अंग कितने हैं? आप कहोगे सर ये अंग छह हैं। ये कौन कौन से अंग हैं? तो आप याद रखिएगा, हम थोड़ा डिस्टर्ब करके लिख रहे हैं ताकि आप इसे सही करें, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपसे सीक्वेंस में पूछता है। तो हम उलट करके लिखेंगे, मतलब मिला करके लिखेंगे, पुनः उसको सीधा कर देंगे। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त है, ज्योतिष, और एक और बचता है और वो है कल्प। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो शिक्षा का विकास क्यों किया गया? तो पहली चीज तो हम यहां लगाते जाते हैं कि शिक्षा की तुलना किससे की जाती है, किस अंग से की जाती है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि शिक्षा को हमारी नाक कहा जाता है। और ये शिक्षा का विकास क्यों किया गया या वेदांगों का विकास क्यों किया गया? पहले तो आप ये जान लो कि वेदांगों का विकास क्यों किया गया।
तो आप कहेंगे वेदों के शुद्ध लिखने पढ़ने और उच्चारण के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया, मतलब वेदों को शुद्ध लिखना पढ़ना ठीक है के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया है। वो अलग की बात है कि बाद में चलकर के वेदांगों का दुरुपयोग होगा, ठीक कैसे दुरुपयोग है कि ब्राह्मण ही इस कार्य को करेगा और कोई दूसरा कार्य नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा नाक हो गई तो व्याकरण क्या है ये मुख हो गया और निरुक्त क्या है तो व्याकरण ये निरुक्त है, अरे सॉरी मुख है और निरुक्त क्या है, आप कहेंगे सर यही कान है यही गला है, और ज्योतिष क्या है आप कहोगे यही आँख है, और कल्प क्या है आप कहोगे यही हाथ है यही कर्मकांड है, और छंद क्या है यही पैर है। क्लियर, तो हम लोग इसकी व्याख्या बाद में करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास स्मृतियाँ आती हैं सूत्र आते हैं। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि वेदांगों की रचना कब की गई थी, तो सूत्रों के काल में वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग की रचना कब हो रही है, सूत्र काल में हो रही है वेदांग की रचना। अब ये सूत्र काल क्या है, ठीक तो देखिए सूत्र काल में सूत्र काल का समय आप ऐसे याद रखना 600 BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से कहां तक आएगा 300 BC ईसा पूर्व। अब अगर आपको जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको BC ही नहीं पता, तो इसमें छिपाने की बात नहीं होती, इसमें आप अगर किसी से कोई चीज़ पूछ लेते हैं तो आपकी बेइज्जती हो जाती है, नहीं छिपाना ही अपराध है। तो नेचुरली आप इसे नहीं, जो लोग जानते हैं वो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अब सूत्रकाल ये या तो आप ये लिख दीजिए या 500 BC से 200 BC लिख लीजिए, मतलब 300 साल का गैप रखिए, और इसमें कौन कौन से साहित्य लिखे जाते हैं तो आप बोलोगे कि सर इसमें गौतम धर्मसूत्र लिखा जाता है वशिष्ठ धर्मसूत्र लिखा जाता है ठीक है, और इसमें क्या है बड़ों के कर्मकांड बताए गए हैं। अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, स्मृतियाँ, स्मृतियों का जो समय कहाँ से शुरू होता है 200 BC से शुरू होता है और कहाँ तक आता है 1200 AD तक आता है, और स्मृतियों में कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं तो आप बोलोगे कि सर स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, और मनुस्मृति का जो टाइम है वह क्या है तो आप बोलोगे कि सर 200 BC से 1 सेंचुरी AD है ईस्वी है। और ये मनु का समय कहाँ का हुआ, आप कहोगे कि ये सुंग या पुष्यमित्र सुंग के समकालीन है। अब मनुस्मृति पर टीकाएं पूछ देता है कि मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी है तो आप बोलोगे कि मेघातिथि ने लिखा है, मेघातिथि ने लिखा है, भारुचि ने लिखा है, भारुचि ने लिखा और गोविंदराज ने लिखा है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति के अतिरिक्त बृहस्पति स्मृति आती है, नारद स्मृति आती है ठीक है, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और अब हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने के, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए दो और का लिटरेचर हैं, उनको हम कहते हैं महाकाव्य। और ये महाकाव्य कौन कौन है तो आप कहोगे सर दो हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो रामायण जो है ये किसकी कृति है, वाल्मीकि की कृति है, और इसे भारत का आदि काव्य कहा जाता है ठीक है, मतलब प्राचीनतम काव्य कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है किसे, रामायण को कहा जाता है। और रामायण में जो श्लोक हैं वह 24,000 हैं, आदि काव्य है। और इनके जो रचनाकार हैं वो वाल्मीकि है, वाल्मीकि, और वाल्मीकि को हम लोग क्या कहते हैं, आदि कवि कहा जाता है। और रामायण का अर्थ क्या होता है, रामा प्लस यण, तो यहां यण का मतलब हो गया जर्नी, मतलब रामायण का मतलब होता है जर्नी ऑफ लॉर्ड राम,
भगवान राम की यात्रा। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर वो वहां मत जोड़ लीजिएगा कि ब्राह्मण वाला यण यहां पर लगा के आप जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने ये चीज जाना, और एक चीज आपको और जानना है कि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी में किसने लिखा था, तो फिर वही नाम आपको ले आना है, ठीक है? किसे? तो T.H. ग्रिफिथ को ही यहाँ पर भी लाना है, मतलब वेदों का जो ट्रांसलेशन किया है उन्होंने ही रामायण को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। इसके अतिरिक्त तमाम अन्य भाषाएं भी आएंगी, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब आता है महाभारत। तो महाभारत में मूल रूप से 24,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में बढ़कर के यह कहाँ हो गया? तो आप कहोगे कि यह 1,00,000 हो गया। क्लियर? तो इसीलिए इसको महाभारत कहा जाता है। एक चीज और, इसका अगर पूछा जाता है कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और वो है K.M. गांगुली ने किया है। K.M. गांगुली ने किया है, एक बंगाली ने किया है। और इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन शुरू होता है वो है एक चीज और, पुराण भी किसमें आते हैं? वो वैदिक साहित्य के आते हैं, और पुराण की संख्या 18 है, और पुराण का शाब्दिक अर्थ भी आप जान लें, पुरा प्लस यण। पुरा प्लस यण, पुरा मतलब प्राचीन, और यण के मतलब होता है व्याख्या। तो पुराण का मतलब क्या हुआ? प्राचीन व्याख्या। किसके प्राचीन व्याख्या? आप कहेंगे राजवंशों की व्याख्या। और इसमें सबसे पुराना पुराण क्या है? आप बोलोगे कि सर मत्स्य पुराण, यह सबसे पुराना पुराण है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वह जैन साहित्य आएगा, लेकिन ये जैन साहित्य का जो मैटर है वो हम आज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम आज इसको देते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेचुरली, ठीक है, आप महसूस कर रहे होंगे कि जो मैटर दिए गए हैं ये मैटर एकदम ही आपको अलग दिए गए हैं, समझा के दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे श्रम का, अपने श्रम का, अपने सपने का और अपने बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ज़रूर मेहनत करेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।